326 है। अस्सलाम वालेकुम आईडी 326 है, तकरीबन 25 फीट जो है ना ये मकान टूट रहा है। और ये फैजान साहब और फैजान साहब का मकान है, इसमें कितनी फैमिली है? जुम्मतुल अलविदा का इसमें दो फैमिलियाँ रहती थी। फैजान साहब और फैजान साहब का मकान है, ये आईडी 326 है मेरे साथ। और इसके पीछे बैग पे आईडी 325 लिखा हुआ है, बैग पे 325 आईडी लिखी हुई है। तो मजदूर तो उधर खा रहे ना। ये 325 आईडी ये लगी हुई है, ये आगे तक का ये मकान है, ये गली जा रही है। आज आज 7 तारीख है ना, 7 मई 2021, 23 रमजान मुबारक को ये तोड़ा जा रहा है। और व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि ईद की छुट्टियों की वजह से जो है आज आखिरी दिन है नाले पर एंटी इंक्रेजमेंट का काम था। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला इस काम को दोबारा किया जाएगा, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ईद के बाद दोबारा इस काम को किया जाएगा और अभी फिलहाल में आज लास्ट डे है एंटी इंक्रेजमेंट का, फिर ईद की छुट्टियाँ हो जाएंगी और फिर उसके बाद नालों पर जो है काम ईद के बाद शुरू किया जाएगा। तकरीबन 25 फीट कटा है ये मकान, 25 फीट कटा फैजान और उनका मकान है ये। 7 मई 23 मुबारक को ये मकान तोड़ दिया गया आईडी 326 तोड़ दिया गया। आ गया।
तो व्यूवर्स यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और इंशाल्लाह ताला बीच में जो भी वर्किंग होगी शहर में मैं उसकी अपडेट आपको देता रहूँगा। मेरी तरफ़ से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक हो, रमज़ान के रोज़े मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के बाद भी 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।